हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से गूगल पे यानी कि गूगल तेज में अपना बैंक अकाउंट आसानी से किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके थे मेरी पिछली वीडियो पे जो मैंने गूगल पे यानी कि गूगल तेज एप्लीकेशन के ऊपर बनाई थी। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा किस तरह से आप अपने गूगल पे यानी कि तेज एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ गूगल पे को, और यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर एक बटन आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपकी बैंक में रजिस्टर है। यानी दोस्तों जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी बैंक में करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज प्राप्त होता होगा कि आपने अपने बैंक से इतने पैसे निकाले हैं या फिर इतने पैसे आपने वहां पे डिपॉजिट किए हैं या फिर डाले हैं। दोस्तों जिस मोबाइल नंबर पे आपको SMS प्राप्त होता है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों, और यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें जो है यहाँ पे 3 टाइम अलाउ करने को कहेगा, तो हम यहाँ पे 3 टाइम अलाउ कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3ों बार मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, और एक ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली उठा लेगा गूगल पे का ये एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अनदर कोई अकाउंट अपना गूगल पे का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही अकाउंट यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है इसी नंबर पे एक OTP जाएगा जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो OTP है वो आ चुका है, और ऑटोमेटिकली जो है हमारी अगली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने की कगार पे है। यहाँ पे यूज गूगल पिन का जो है ऑप्शंस आ चुका है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे एक अपना 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 अंकों का एक पासवर्ड यहाँ पे बना लिया है। अब बनाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है आपको बता देते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताता है अपने आप ही, तो हम यहाँ पे इसको स्किप करके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहां से वही बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिस बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर था। तो फिलहाल हमने जो मोबाइल नंबर वहां पे एंटर किया था वो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक में रजिस्टर है, तो हम जो है यहां से पेटीएम पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड SMS वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन जो SMS होता है जिसमें एक OTP आता है वो जो है यहाँ से एक SMS जाएगा, और यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा OTP आ चुका है, और एक स्टेप जो है हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर विद पार्टनर बैंक यानी कि बैंक से अब जो है आपका ये बैंक पार्टनर से मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है, और इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे मतलब ये जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एंटर UPI पिन डालना होगा, जो भी आप यहाँ पे अपना मतलब UPI पिन बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। जो आपने पीछे पिन बनाया था मतलब आप यहाँ पे जो है वही पिन डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कोई पिन बनाना चाहते हैं तो वही यहाँ पे एंटर कर लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है एक पिन एंटर कर लिया, मैं यहाँ पे सही के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चलने लगी, और यहाँ पे अकाउंट एडेड का ऑप्शन जो है आ चुका है। दोस्तों यहाँ से अब हमारा जो अकाउंट है वो हो चुका है लिंक, और किस तरह से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हुआ है या फिर नहीं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक, और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आ रहा है। लास्ट के जो 4 अंक होते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से आप जो है गूगल पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।